हेलो स्टूडेंट आपका हमारे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल ईबीसी पर बहुत बहुत स्वागत बेटा आज का जो टॉपिक है वो है हमारा यूनिट एंड मेजरमेंट क्लियर यूनिट एंड मेजरमेंट तो व्हाट इज मेजरमेंट जिसे हिंदी में कहते हैं मापन तो मेजरमेंट होता क्या है मेजरमेंट मींस कंपेयरिंग अ थिंग विद अ स्टैंडर्ड टू फाइंड आउट हाउ मैनी टाइम्स एज बिग और स्मॉल इट इज जैसे मान लीजिए आप मार्केट जाते हैं और वहां से ग्रेप्स वगैरह खरीदते हैं तो शॉपकीपर क्या करता है वो क्या करता है ग्रेप्स को एक फिजिकल बैलेंस के वन पान में रखता है दूसरे में स्टैंडर्ड वेट रख देता है स्टैंडर्ड मास रख देता है फिर कंपेयर करता है दिस इज द मेजरमेंट ये मेजरमेंट है बेटा उसने आपको मेजर करके दिया कि वन के जी है या टू के जी है जो आपने लेना चाहते हैं ऐसे बेटा क्वांटिटी क्या होती है एनी थिंग डैट कैन बी मेजर इज कॉल्ड क्वांटिटी

क्वांटिटी हो सकता है उसे मेजर नहीं कर सकते किसी से हम उसे uh, stand, uh, किसी स्टैंडर्ड से मेजर नहीं कर सकते तो वो क्वांटिटी है और जैसे आपने बोला कि मुझे टू के जी ग्रेप्स चाहिए तो उसे आप uh, किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर करेंगे तो वो फिजिकल क्वांटिटी होगा क्लियर नाउ नेक्स्ट इज सेकेंड डेफिनेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी द क्वांटिटी हुज मेजरमेंट इज असेंशियल टू एस्टैब्लिश वेरियस लॉ ऑफ फिजिक वेरियस लॉज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स

तो आपको उसके लिए उस जैसे ही स्टैंडर्ड को यूज करना पड़ेगा जैसे मान लीजिए आपको आ, किसी वॉलपेन का पूरा लेंथ मेजर करना है ठीक है तो आपको सेंटीमीटर मीटर को मेजर करने के लिए किसी इंस्ट्रूमेंट को यूज करना पड़ेगा उसी टाइप के को मैंने यहां पे भी बोला है इट इज द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग अ क्वांटिटी विदिट्री चूज मेजर ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड द रिजल्ट ऑफ द मेजरमेंट इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ टू थिंग्स जो हमारे पास में रिजल्ट आएगा जैसे मान लीजिए मैं इसको आपके सामने मेजर करता हूँ अप्रोक् मेजर करता हूँ देखिए तो मेज़रमेंट करने पर मुझे दो चीज़ें मिलेंगी यहाँ से तो देखो मैंने यहाँ से ज़ीरो से रखा और ये अप्रॉक्सीमेटली ट्वेल्व पॉइंट ये ट्वेल्व पॉइंट वन और टू के आसपास है hmm. तो इसका मतलब यह है ये मेरे को क्या मिला ट्वेल्व पॉइंट वन और टू अप्रोक्सी ट्वेल्व पॉइंट टू सेंटीमीटर तो यहां पर हमें दो ये चीजें मिल रही हैं ऐसे मान के चलिए तो फर्स्ट इज हमें मिला है यूनिट हमें क्या मिल रहा है बेटा यूनिट मिल रहा है हमें मिल रहा है यूनिट ठीक है और दूसरा हमें मिल रहा है नोमेरिकल वैल्यू तो जो हमें हमने अभी मेजर किया ट्वेल्व पॉइंट टू उसमें लास्ट वाला सेंटीमीटर

वो हमारी नुमेरिकल वैल्यू इट इज द न्यूमेरिकल इट इज नंबर, इट इज नंबर डिनोटेड बाय एन तो बेटा हम इसको किससे कंप्लीट क्वांटिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं क्यू इज अ फिजिकल क्वान्टिटी अभी मैंने लेंथ मेजर की तो क्यूब हमारे पास में क्या होगी लेंथ और इसमें n क्या होगा 12.5 न्यूमेरिकल वैल्यू और u क्या होगी हमारे पास में सेंटीमीटर ठीक है तो q हमारे पास में लेंथ हो गया n न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई u यू यूनिट हो गई ठीक है बेटा ये हमारे पास में हमने फिजिकल क्वांटिटी के बारे में आपको बताया ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए बेटा वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब बहुत जरूरी है करना आपका चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें